खाली चलो ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया, ब्लॉग बना रहे ठीक है। गुड मॉर्निंग हो गई है अभी दोपहर में 2 बजे। वर्कआउट करता ही नहीं है, खाली बातें करता है और चले जाते हैं। तो मुझे फ्रेश होने में टाइम जा रहा था तो मैं सोचा नमाज पढ़ लेता हूँ, वर्कआउट करूँ या नहीं करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मगर थोड़ी थोड़ी छुट्टी सब गुनहगार है। ब्रदर ये क्या है, ड्राइवर समझ के रखे हो क्या? ये मस्जिद में इस्लाम आना दे रहा है यार, ये सब क्या है तेरा? चल चल देख रहे हो तो मुझे आज ड्राइवर बना रहा अपना। हाय दोस्तों, दिस इज योर बॉय शदान फारूकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है अभी दोपहर में 2 बजे, तो मैं सो के उठ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, थोड़ा सा क्या पूरा सा फ्रेश होना पड़ेगा। फ्रेश होऊंगा उसके बाद मैं पढ़ूंगा नमाज, नमाज के बाद करूँगा कुरान शरीफ की तिलावत, फिर मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स गो। तो मुझे फ्रेश होने में टाइम जा रहा था तो मैं सोचा नमाज़ पढ़ लेता हूँ क्योंकि नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो नमाज का टाइम बचेगा नहीं। तो पहले पढ़ लेता हूँ मैं नमाज, उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ कुरान शरीफ, फिर मैं फ्रेश होऊंगा क्योंकि नमाज का टाइम चले जाएगा तो नमाज नहीं होगी। दोस्तों मैं नमाज पढ़ लिया था, अब मैं जा रहा हूँ कुरान शरीफ की तिलावत करने। और हाँ, मैं आज थोड़ा सा कुरान शरीफ के बारे में बताऊंगा क्योंकि स्नैपचैट पे बहुत लोग ने क्वेश्चन किए थे मुझसे कि ये मैं अगर मुझे लेना है तो मैं कहाँ से लूँगा। तो मैं पहले आप सबको बता देता हूँ कि ये है क्या, मैं ये क्यों लिया हूँ पढ़ने के लिए। नहीं तो नॉर्मल अरबी में रहता है, सबके घर में होता है, मगर ये मैं क्यों लिया हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर का मतलब जानना था। मतलब हम जो पढ़ते हैं उसकी मीनिंग जानना था कि ये है क्या मीनिंग। अगर आप मीनिंग के साथ पढ़ लिए ना तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा अगर आप ये पूरी बुक पढ़ लिए मतलब के साथ। तो पहले तो मैं इसके इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको ये बुक का। तो इसका नाम है द होली कुरान इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन रोमन इंग्लिश बेस्ड ऑन कंजुल ईमान ईमान अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान कुरान फाजिल बरेलवी। तो ये है कुरान शरीफ का नाम। अंदर हम जाते हैं आपको, हाँ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो अगर जिसको इंग्लिश आती है तो ज़्यादा उसको मालूम रहेगा। देखो इन्ना, तो यहाँ पे इन्ना है, तो जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में ले सकता है, जिसको अरबी आती है वो अरबी में ले सकता है, और जिसको क्यों रोमन वर्ड। मैं तीनों लिया हूँ, मैं अरबी भी लिया हूँ और अरबी को इंग्लिश में लिया हूँ और उसका मतलब लिया हूँ मैं रोमन वर्ड, मतलब मैं तीनों लिया हूँ। देखो ये अरबी हो गया और ये जो अरबी में लिखा है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और उसके बाद ये रोमन वर्ड है। ये मीनिंग है। ये पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा कि ये इसका मतलब क्या है। पढ़ते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो ये था अरबी में, अब इसी का इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। आप तो पढ़ रहे हो ना, अब इसका मतलब क्या है, ये जो हम पढ़े इसका मतलब क्या है। देखो ये बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसका मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू जो हिदायत मेहरबान रहमत वाला। ये बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम का मतलब है। हम जो पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम कुछ खाने से पहले, कहीं भी हम जाते हैं, तो उसका मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं जो बहुत मेहरबान रहमदिल वाला है। तो हर चीज़ हम जो भी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट होते हैं, उसका मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू जो मैं करने वाला हूँ जो मेहरबान और रहमत वाला है। तो हम हमेशा अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम का मतलब है सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहाँ वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला। तो ये था उसका मतलब। और भी देखो पढ़ सकते हो, मैं खाली मतलब पढ़ के बताता हूँ इसका पूरा। रोज़ जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहिए, हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। तो ये था मतलब इसका। तो ऐसा हम जितना पढ़ रहे हैं ना
यहाँ पे तो सबका मतलब दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है उन्हें, तो ऐसे ऐसे मतलब है। तो अभी मैं पढ़ लेता हूँ, और ये अगर आपको चाहिए तो आप अपने घर में किसी भी बुज़ुर्ग इंसान को बोलोगे, या आप खुद भी जाके देख सकते हो। मस्जिद के बाहर शॉप रहती है मौलाना साहब, या आप कोई मौलाना को भी बोल सकते हो कि मुझे ऐसा कुरान शरीफ चाहिए जो मैं मतलब के साथ पढ़ सकूँ, मतलब मीनिंग के साथ। ये वो, तो आप अपने घर में भी बोल सकते हो, या मैं इसकी, आप तो स्नैप का स्क्रीनशॉट लिए हो गए, मैं दिखा भी दिया हूँ। आप ये वीडियो दिखा के, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो दिखा के आप कहीं पे भी ले सकते हो कुरान शरीफ को। तो अभी मैं पढ़ लेता हूँ, अगर आपको ये चाहिए कुरान शरीफ और आपको जानने का इसके बारे में, तो आप ज़रूर पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, और कसम से आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे अगर आप ये पूरा पढ़ लिए मतलब के साथ और इसको आप समझ लिए। तो अभी मैं पढ़। हाय दोस्तों, तो मैं आ गया था नीचे, और अदनान बहुत टाइम से आज भी वेट कर रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस मीटिंग के लिए। लेट्स गो ब्रदर। ये क्या है, ड्राइवर समझ के रखे हो क्या? कल तुम मेरे को ड्राइवर समझा है। अरे तो इतना नहीं कर सकते तुम? चल चल, देख रहे हो तो मुझे आज ड्राइवर बना रहा अपना। टाइम हो गया, तीन बजे मीटिंग थी। हाँ पहुँच रहा हूँ, तुम आने में लेट किया, अभी क्या कर सकता हूँ मैं। देखिए चाबी नहीं लग रही इसमें, चलो लेट्स। तो दोस्तों मैं निकल गया तरावी के लिए, और आज फाइनली मेरी तरावी मुकम्मल हो जाएगी 27 दिन की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 27 दिन की तरावी पूरी कर लूँगा आज, तो लेट्स गो। तो दोस्तों मैं आ गया था तरावी पढ़ने, और फाइनली आज मेरी लास्ट तरावी है। आज मैं 27 दिन की तरावी मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और रमज़ान भी गुजरते हुए नज़र आ रहा है। तो आज आज भी टाइम पे आ गया अपना माशाल्लाह। अरे जाओ यार, पब्लिक देख रही है, पब्लिक तो है। कौन टाइम पे आ रहा है? चलो ठीक है, आज बोल रहा है तो यकीन कर लेते आज टाइम पे आ रहा है, बाकी आप लोग सब वीडियो में देख लो कौन का कितने टाइम पे आता है। तो अभी जा रहे हम लोग तरावी पढ़ने, तरावी पढ़ने के बाद आज लास्ट तरावी है, और दुआ भी होगी आज, बहुत बड़ी दुआ होगी। तो दुआ मांगूंगा मैं, आप सबके लिए भी दुआ करूँगा और खुद के लिए भी दुआ करूँगा। सबसे पहले तो आप सबके लिए दुआ करूँगा, मिलते हैं तरावी के बाद। फाइनली फैज़ की तरावी आज ख़त्म हो गई 27 दिन की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग की सबकी दुआ कबूल हो इंशाल्लाह। उठ के उठ के उठ के, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर साल नमाज पढ़े, पूरे साल नमाज पढ़े, मतलब आमीन। तो फाइनली फैज़ बलोच ने 27 दिन की तरावी ख़त्म कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। जैसे मुकम्मल किया वैसी लेट गया, इतना थक गया, मतलब 27 दिन में हालत खराब हो गई। अचीव किया भाई कुछ मेरा, अचीव कुरान शरीफ मुकम्मल, बहुत बड़ी बरकत है। कितनी छोड़े? हाँ कितनी छोड़े? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना झूठ काई को बोलूँ, आधा पारा मेरा छूट गया है, क्योंकि मैं गया था, आपको पता है कहाँ गया था। मालूम है, एक एक तरावी पूरी छोड़ा एक दिन की, और हसन की कंप्लीट है। हसन भी एक दो दो रिकॉर्ड छोड़ देता था, मगर कंप्लीट कर लेता था। ये भी छोड़ा है, ऐसा नहीं है, जितने हैं ना सबकी छुट्टी है, तरावी भी छुट्टी, दो रकात एक बार छुट्टी। हाँ छुट्टी ना, मगर थोड़ी थोड़ी छुट्टी है, सब सब गुनहगार है। देखो जिससे छुट्टी है छुट्टी है, बाकी कोशिश पूरी करते थे कि नहीं छुटे, मगर ये मस्जिद में इसको लाना दे रहा है, ये सब क्या है तेरा? हाँ? ये तो जेब में रखा है, जेब में रखता हूँ, ये तेरा पॉकेट इधर ही है, हट पे किसको ये सब? हाँ तो जब जेब में ही है, नमाज पढ़ने के टाइम नहीं पहनता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को भी ना अभी हार पिलाएंगे, मेरी तरावी मुकम्मल हुई है, ये लोगों ने पैसा नहीं दिया है। फैज़ ना वेट कर रहे हैं, बच्चे लोग को गिफ्ट मिल रहा है ना, फैज बोलता है मुझे एक भी गिफ्ट मिलेगा। मेरे को लगता है मेरे को मिलेगा, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है लेकिन मिलना चाहिए मेरे को, आई होप। क्या नमाज है अपना? फैज ना अच्छा बन रहा है, क्योंकि बच्चे लोग को गिफ्ट मिल रहा है। अभी ये सब का ही शौक रखेंगे तो अच्छी बात है, बाकी सब शौक पूरे हो गए। वैसे मस्जिद में बात नहीं करना चाहिए, ये ब्लॉग में मेरे को कैमरा भी। दोस्तों मैं आ गया था अदनान की जिम वर्कआउट करने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की आज 27 तरावी मुकम्मल हुई। 27 तरावी पूरा कुरान मुकम्मल हुआ, पूरा कुरान मुकम्मल हुआ 27 तरावी।
27 तरावी और एक कुरान शरीफ मुकम्मल हो चुका है हमारा, और अपने फैज भाई का भी हो गया है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी कुछ बोलूंगा नहीं बेचारा, वर्कआउट कर रहा, भी जाने दो नहीं तो अभी रो देगा। कुछ कल तक रही है तो वो बताएगी देखो। तो प्रॉब्लम क्या हुई पता है, अदनान नहीं चाहता था मेरा व्लॉग बने, इसके लिए फोन लेके ना कट कर दिया व्लॉग, एंड कर दिया। ये यहाँ पे आके वर्कआउट वर्कआउट करता नहीं है, आके खाली चलो ठीक है कंसिस्टेंट हो गया व्लॉग बना रहा है ठीक है, पर आके यहाँ पे वर्कआउट करता ही नहीं है, खाली बातें करता है और चले जाते हैं। आपको भी मालूम है मेरी बॉडी है कि नहीं, नहीं है। वर्कआउट करूँ या नहीं करूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सेम मैं भी बोलता हूँ, नहीं अच्छी है, अच्छी है। नहीं मतलब मैं अपने लिए बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ना, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी है उतने में खुश हूँ। आप भी जितने में हो खुश रहो, आपके पास भी जितना है उसमें खुश रहो, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है लाइफ में। जैसे अपने आज अभी डाउन है, आज वर्कआउट नहीं कर रहा, आज अभी वर्कआउट नहीं कर रहा क्योंकि अभी डाउन है। हाँ हाँ, इसके लिए आज वर्कआउट नहीं कर रहा है, और अभी मेरा भी थोड़ा डाउन फॉल चल रहा है, तो इसके लिए अपन रमजान फास्टिंग रख रहा हूँ ना, तो बॉडी में थोड़ा कम खाना जा रहा है ना, तो थोड़ा एनर्जी कम हो गई है बॉडी में, मगर ऐसा लग रहा है ना ईद बाद फाड़ दूंगा, जो डिटॉक्स होना था ना वो वापस हो चुका है। अबे थोड़ा खड़े हो ना, अबे ऐसा नहीं, घूम तो आराम से, जम कर इसके ऊपर, जम कर हसनैन, जम कर हसनैन, जम कर, जम आज तू भी आ, तू भी आ ऊपर, अरे वो बर्दाश्त कर लेगा तुझे भी, अरे बहुत मजबूत है फैज, अरे जान कुछ नहीं पता चलेगा। चलो मैं भी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, अब आया हूँ जिम तो। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, और साथ ही साथ में ये व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है खास करके कमेंट करके बताओ, लाइक करो शेयर करो, और फाइनली आज मेरी तरावी मुकम्मल हुई, यानी कि एक कुरान शरीफ पूरा कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो अपना, और मुझे दुआ में याद रखो, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में।